हेलो दोस्तों, तुसी देख रहे हो इस वक्त वर्ल्ड टूर दुनिया की सैर। इस छोटी जी ब्रीफिंग वीडियो दे विच मैं तुहानू इस बार दसना थाईलैंड दे बारे कुछ टिप्स। ते मैनू उम्मीद है कि तुसी मैनू इंस्टाग्राम ते फेसबुक दे उपर सेम इसे नाम दे नाल दुनिया की सैर दे उपर तुसी सबसक्राइब भी कर लिया होना, फॉलो भी कर लिया होना। ते सब तो पहला ते थाईलैंड बारे तुहानू मोटियां मोटियां गल्लां दस दिंदे आ। इस बार टाइम थोड़ा है, छोटी वीडियो बनाई है, शॉर्ट विच वीडियो बनाई है। थाईलैंड दे विच तुसी सस्ती तो सस्ती जगह जो रहने वाली हैगी वो है सुकुमवित। मैं तुहानू जो स्क्रीन के उपर आ रहा है तुसी पढ़ के इत्थों देख सकते हो। इत्थे तुहाडा खाण दा पीण दा सब कुछ सुपर मार्केट दे विचों मिल लैण दी बजाए तुसी नॉर्मल मार्केट दे विचों भी लै सकते हो। नाइट जो स्पेंड करनी है तुसी वह जा सकते हो पताया दे विच, फुकेत विच, किसी पासे भी किसी भी गुड बीच ते वधिया बीच के उपर जा सकते हो। पर जेकर तुसी कहने हो कि चीप एंड बेस्ट, तो कई दोस्त होंदे कि असी सिर्फ तो सिर्फ एंट्री ही मारनी है, असी सिर्फ अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनानी है, तो उन्होंने ज़्यादा खर्चा करने की लोड़ कोई नहीं। वह सिर्फ तो सिर्फ जान नॉर्मल जगह दे विच रहन, नॉर्मल जगह दे नाम जो स्क्रीन दे उपर आ रहे हैं यही नॉर्मल जगह दे नाम है। इन्हां नूं तुसी नोट कर लो, नोट करन तो बाद तुसी इन इन जगह दे उपर जाओगे, रहोगे, होटलों दे नाम तुसी उत्थे जाके सर्च कर लियो। असी किसी नूं नहीं प्रमोट करना चाहुंदे, पर फिर भी तुसी अपने हिसाब नाल देख लियो, जो तुहानूं बजट होटल लगे बजट होटल मिले उत्थे रहना पैना तुहानूं। जेकर तुसी कहोगे असी तुहाडी मदद कर देवांगे, साडे नंबर अबाउट दे विच लिखे हुए आ, डिस्क्रिप्शन दे विच लिखे हुए आ, तुसी साडे नंबर भी लै सकदे आ। कई दोस्तों का एक मोटिव होंदा है कि उन्होंने पासपोर्ट की वैल्यू बनानी है, सिर्फ एक एंट्री मारनी है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। बजट उन्हों का होंदा 10-20-50 हज़ार रुपए के नेड़े तेड़े इंडिया दे विच। सो जिहड़े 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 दोस्त कहिंदे कि असी जी 10-20-50 हज़ार रुपए दे विच, 10-20 तो नहीं मतलब कि 50 हज़ार के नेड़े तेड़े बजट लेना है, तो उन्होंने भी घट तो घट 1 लाख रुपए नाल लैके आना पैना। जां 50 हज़ार रुपए तो घट तो घट उन्हों का बजट आऊगा ही आऊगा, इस तो घट तो बजट आ ही नहीं सकता। थाईलैंड का कोई भी होटल लोगे तुसी उत्थे वो चीप तो चीप भी करांगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 300 तो 400 500 4 5 600 बाट तो घट नहीं मिलना। बाकी खाना एक दिन दे विच इंडिया के हिसाब नाल अप्रोक्सीमेटली 500-100 रुपए का तुसी खाना खा जाओगे। जेकर तुहाडा हफ्ते का टूर हुंदा है तो भी तुसी अप्रोक्सीमेटली 1000 बाट के करीब तुहाडा एक दिन का खर्चा है। इस दे विच ट्रांसपोर्ट जां शॉपिंग नहीं इनकलूड की हुई, अप्रोक्सीमेटली इंडिया का तुहाडा 7 दिनों का 20 हज़ार के नेड़े तेड़े, 10-15-20 हज़ार के नेड़े तेड़े हो जाना खर्चा। प्लस टिकट तो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है 30 अक्तूबर 2019 तक। उस तो बाद दी अपडेट तुसी वीडियो दे विच जुड़े रहोगे साडे नाल, यूट्यूब दे उपर जुड़े रहोगे, फेसबुक ट्विटर दे उपर इंस्टाग्राम दे उपर जुड़े रहोगे, तुहानू नवीं नवीं जानकारी मिलती रहेगी। थाईलैंड दे बारे एक आम धारणा लोगों दे विच बनी हुई है कि जी थाईलैंड जाना है उत्थे मसाज करानी है, ये है वो है, फलाना टिमकाना है, इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ है, पर उहदे लई पैसा बहुत ज़्यादा खर्चना पैंदा है। सो जेकर तुसी सिर्फ तो सिर्फ एक ट्रिप मारन आ रहे हो, ट्रिप करना है, टूर लगाना है, विजिटर के तौर पर आओ, वेलकम है इन्हां दी सरकार वल्लों। तुहानू जरूरी नहीं कि तुसी गलत सोच नाल ही आना है, इत्थे मंदिर देखने वाले आ, इत्थों दे फार्म हाउस देखने वाले आ, इत्थे जंगल देखने वाले आ, डिस्कवरियां देखने वाली आ, बहुत कुछ इस तरह का जो कि आम तौर पर लोगों नू दस्या ही नहीं जाता। आम तौर पर लोग आते एक चीज़ सोच के आते आ मसाज, दिमाग दे विच जेकर आपां एक चीज़ लैके चलांगे तो डिस्कवरी नहीं कर सकते, दुनिया दे विच आपां तरक्की नहीं कर सकते। जेकर आपां तरक्की बारे सोचना है तो तुहानूं नवीं नवीं चीज़ बारे सोचना पैना, उत्थों दे मंदिर किस तरह दे आ, उत्थों दीआं मस्जिदां किस तरह दीआं, इत्थों दे गुरद्वारे किस तरह दे आ, इत्थों दे टूरिस्ट प्लेस किस तरह दे आ, इत्थों दे म्यूजियम किस तरह दे आ। तुहानूं असीं अपनियां वीडियां दे विच साफ सुथरियां चीज़ां दिखावांगे। साडे नाल जुड़न दे लई बहुत मेहरबानी। उत्थे तुहानूं एक चीज़ देखण नूं नहीं मिलेगी, हज़ारां चीज़ां मिलणगियां, बस तुहाडा दिमाग घूमण दे लई होना चाहिए। फिर तुहानूं एयरपोर्ट दे उत्ते एंट्री दे लई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आम तौर पर मैं सुनिया है कि थाईलैंड दे विचों डिपोर्ट कर दिता जाता, मलेशिया दे विचों डिपोर्ट कर दिता जाता, सिंगापुर दे विचों किसी नूं एंट्री नहीं दिती जाती। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।